शॉर्ट सर्किट से लगी आग में लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। मामला आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील के बिलरीगंज थाना क्षेत्र के गंगापुर गांव का है। बता दें कि शनिवार को घर के बाहर अलाव सेक रहे लालचंद शर्मा और विद्या देवी को जब स्थानीय ग्रामीणों ने आकर बताया कि उनके घर में आग लग गई है तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। लेकिन घर से जब चिमनी की तरह उठता धुआं देखा तो घर की तरफ भागे तो मौजूद सभी ने देखा कि रेफ्रिजरेटर के शॉर्ट सर्किट होने के चलते आग लग रही है। ग्रामीणों ने तुरंत ही फायर ब्रिगेड को सूचना दे दी, लेकिन जब तक देखते ही देखते आग छत से लगाए घर में रखे सारे सामानों में फैल गई। बिछड़ा की चपेट में आकर घर में रखा रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, सोफा सेट, वॉशिंग मशीन, आरओ, अलमारी, कपड़े, लत्तों के साथ घर में रखा खाने पीने तक का सामान जल गया। प्रमोद शर्मा का कहना था कि घटना 20 जनवरी की है। आग लगने के कारण उनके घर में रखा 4 से 5 लाख के सामान का नुकसान हुआ है। हालांकि ग्रामीणों की सूझबूझ और मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा देर तक मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया था। मेरा नाम प्रमोद कुमार है, मैं गंगापुर गाँव का रहने वाला हूँ जो बिलरियागंज थाना के अंतर्गत आता है। 20 जनवरी 2024 को हमारे घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और जिसकी वजह से लगभग 4-5 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। धुआं कैसे पता चला? गांव में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे लगभग हमारे मकान से 200 मीटर की दूरी पर। तुम सब बच्चों ने देखा और देख करके शोर मचाया कि आपके घर के बाहर ऊपर धुआं निकल रहा है और देखते ही देखते लगभग 10 से 5 मिनट में ही पूरा धुएं का गुब्बार आधी गाँव के बीच में छा गया और गांव के लोग जब लगभग 500 से 1000 के संख्या में हमारे गांव की महिलाएं पुरुषों ने दौड़ करके आया और बालू से, मिट्टी से, पानी से, जिससे जैसा भी संभव हो पाया सभी लोग किंकर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में हो गए थे। हाँ, फायर ब्रिगेड को भी हमने सूचना दिया था, जो महाराजगंज की टीम अभिषेक तिवारी वगैरह ये लोग आए और आग पर किसी भी तरीके से लगभग आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी, बिजली की वजह से लगी थी आग। सामान लगभग उसमें अब इलेक्ट्रॉनिक के तमाम सामान थे, जैसे फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, आरओ लगा हुआ था पानी स्वच्छ करने के लिए, सोफा सेट था, बेड था, खाने की सामग्री थी, हमारी पत्नी की और हमारे भाई की पत्नी का तमाम सारा सामान था, सब जल करके उसमें खाक हो गया। सरकारी मदद के लिए हमने तहसील पर सूचित कर दिया था, लेखपाल साहब आए, अपनी रिपोर्ट उन्होंने लगा दिया। आप कैसे क्या रिपोर्ट लगाया अब उसको हमने देखा नहीं, ना तो उन्होंने दिखाया। और फायर ब्रिगेड वालों ने भी अपनी रिपोर्ट लगाया, वो भी बता रहे थे कि फायर ब्रिगेड के लोग की लगभग 3-4 लाख का सामान जल गया है। हम चाहते हैं कि अब हमारा छत फट गया है, धुआं से सब कुछ जो है ख़राब हो गया है। बहुत सा पैसा लगा करके हमने अपना मकान बनाया था, बहुत सारा सामान हम खरीद करके सब व्यवस्थित किए थे। सरकारी मदद मिल जाती तो हम फिर से उस स्थिति में आ जाते और अपना जीवन यापन करने लगते। माता पिताजी बहुत हताश और परेशान हैं, बार बार लोग, बहुत सारे लोग पर डे जो है 20 से 25 की संख्या हम लोग देखने आ रहे हैं, सभी लोग जो है सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन सांत्वना से परिवार चलता नहीं है। इस समय हम बहुत परेशानी की हालत से गुजर रहे हैं, तो सरकार से कुछ इसमें हमें सहयोग मिल जाता तो फिर से हम अपनी पुरानी स्थिति को कायम कर लेते सर।